शब्बीर भाई बोले 2 मिनट में फिनिश कर देना, तो कभी भी फिरोज खान ये है अपने सीनियर, उनकी बात सुनता। तो आज जैसा आप जानते हैं हमारे जाबाज प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की 76th बर्थ एनिवर्सरी, कई प्रधानमंत्री आए गए, पर कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वैसे नहीं थी, ना कोई प्रधानमंत्री आगे जाके राजीव गांधी के वैसा रह सकता। एक सच्चा देशभक्त जो देश के लिए जान दिया, और आप तमाम चीज जानते हैं राजीव गांधी जी के ताल्लुक से, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, टेलीकम्युनिकेशन की बात हो, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पंचायत राज हो, इलेक्शन वोटर लिस्ट वोटिंग एज कम करने की बात हो, यूथ को सपोर्ट करने की बात हो। जब एक वक्त था जब राजीव गांधी जी बात करते थे कंप्यूटर के बारे में तो लोग हंसते थे, जब यूथ की बात करते हैं आज नरेंद्र मोदी वही बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में 50% यूथ है, पर हमारे राजीव गांधी जी ये बात 30 साल पहले पूछ चुके हैं। तो हर एक काम एक ऐसा विजनरी लीडर जो हिंदुस्तान को बुलंद रखना चाहता था, हिंदुस्तान को मजबूत रखना चाहता था, ऐसा बेहतरीन प्रधानमंत्री। और आज मैं ऐसे ग्रेट प्रधानमंत्री की बर्थ एनिवर्सरी में मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए मेरे को फखर है, गुरूर है। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज भारत रत्न लेट श्री राजीव गांधी जी का 76th यानी 76वां जन्मदिन बर्थडे था। इस पर आज गांधी भवन में कुछ अवार्ड्स दिए गए। आप सब जानते हैं कि राजीव गांधी जी इस देश की एकता के लिए और नेबर कंट्रीज़ के साथ, हम एक न्यूक्लियर पावर है तो हमारे बाजू के देश भी हमारे साथ में होना है, इसीलिए श्रीलंका से दोस्ती बढ़ाने के लिए उन्होंने IKP इंडियन पीस फोर्स को भिजाए, लेकिन LTTE को नागुजार गुजरा और उनको शहीद कर दिया गया। तो आज हम देखेंगे मोदी जी की सरकार में जितने कांग्रेस के पीरियड में हमारे दोस्त कंट्रीज थे, नेपाल हमारा दोस्त है, वहाँ कोई वीज़ा नहीं था, वो आज हमारे खिलाफ हो गया, श्रीलंका हमारे अगेंस्ट होके चाइना में चैक्सा चले गए, भूटान है, बांग्लादेश को हम ही बनाए, मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाए, और 90 लाख वहाँ के लोगों को 98,000 जनरल न्याजी मिलिट्री वालों को गिरफ्तार करके लाए, लेकिन वो भी आज हमारा दुश्मन हो गया। तो सारे जगह पॉलिसीज में फेल हो गए, ये सरकार फेल हो गई। मोदी सरकार नैरो फैमिली के ऊपर इल्जाम लगा, कांग्रेस क्या करी, मोदी जी आप 6 साल में क्या करेंगे? 6 साल में GST लाए, 4 करोड़ नौजवानों को ऐसे नौकरियां चले गए, और 40 करोड़ के करीब लोग नौकरियों के इंतजार में है, बिजनेस खराब हो गया। तो हम ये कहते हैं कि जो भी देन दिए कांग्रेस के देन है, राजीव गांधी के जो पॉलिसीज थे, कंप्यूटराइजेशन है, आज हर घर में मोबाइल जो दिख रहा है, और जो 18 साल का वोट का देना है, नौजवानों को जो ताकत को पहचाने वो राजीव गांधी पहचाने, मोदी साहब नहीं। मोदी साहब जितने गए सब झूठ। मैं चाय बेचने वाला बोले कोई नहीं देखा उन्हें कब चाय बेची। मैं 35 साल तक भिक्षा लिया है, कहाँ भिक्षा लिया कोई उसका प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने स्कूल पढ़ी, कौन से स्कूल में पढ़े वो आज तक नहीं मालूम। मैंने डिग्री हासिल की, वो जो कॉलेज का नाम बोले वो कॉलेज का नाम के पास वो डिग्री नहीं है। तो इस तरीके से मोदी जी सरासर झूठ हैं, और जो आज़ादी में नहीं थे वो लोग आज देशभक्त हो गए, और जो आज़ादी के लिए नेहरू परिवार गांधी परिवार जो काम किया उसको गुनाहगार साबित करने के लिए जो कोशिश की जा रही है हम उसके सख्त मजम्मत करते हैं। आज हमारा फ़र्ज है कि राजीव गांधी जी के बर्थडे को, राजीव गांधी जी के मैसेज को, उनके ख्यालात को आज के नौजवान नस्ल को मालूम करें। इसके लिए SK अफजलुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हर साल गांधी जी फैमिली के, नेहरू फैमिली के तमाम लोगों के जब भी उनका बर्थडे होता है।